गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक यू ऑल इन द न्यू ऑनलाइन सेशन ऑफ गीता ग्लोबल स्कूल 2021-22। माय नेम इज सुरभि भारद्वाज, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 8th मैथ्स। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एक्सरसाइज 2.1 विच इज़ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये हमने इसमें पढ़ लिया था। इसमें क्या था, क्या पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें एक्स की कोई पावर नहीं होती, जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उसके कोई पावर नहीं होती, मतलब एक्स स्क्वायर या फिर एक्स क्यूब वो नहीं होगा, सिर्फ एक्स होगा नॉर्मली, और उसमें आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 कर ली थी कंप्लीट। एक्सरसाइज 2.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद यहाँ उसके बाद जो एक्सरसाइज 2.2 है उसमें सिर्फ आपके स्टोरी टाइप स्टोरी पजल्स हैं, स्टोरी क्वेश्चंस हैं। तो हम सीधे एक्सरसाइज 2.2 पे आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। अगर आप कोई नंबर है तो हम उस नंबर को क्या मानेंगे जब हमें पता नहीं, तो x। तो अगर कोई नंबर है उसमें से आप 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हो, उसके बाद मल्टीप्लाई द रिज़ल्ट बाय 1/2, और जो फिर रिज़ल्ट मिलता है उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो यू गेट 1/8। तो आपको आंसर क्या मिलता है, 1/8। सो वॉट इज़ द नंबर, तो वो नंबर क्या होगा। तो चलिए उस हिसाब से करते हैं जो क्वेश्चन कह रहा है। सबसे पहले क्या कह रहा है, वो नंबर्स चूज़ करना है। तो लेट द नंबर बी एक्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे उस नंबर को एक्स मान लेंगे। उसके बाद ये क्या कह रहा है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, आपको सब्ट्रैक्ट करना है एक्स में से 1/2। उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई द रिज़ल्ट, ये जो रिज़ल्ट है उसे मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो आपको क्या मिलेगा इसका रिज़ल्ट, 1/8 मिलेगा। तो आपको क्या करना है, नंबर फाइंड करना है। इक्वेशन हमारी बन गई, तो इसे सॉल्व करते हैं आगे। ये है तो इसे एक्स अपन 1 लिख सकते हैं, तो अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आया 2, 1 का डिवाइड 2 में कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स। 2 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस, अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम ही जाएगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 1/8। आगे सॉल्व करते हैं इसे। अब मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x माइनस 1/4 हो गया, उसके बाद इक्वल टू 1/8। अब 2x माइनस 1 है और इधर अब 4 है वो डिवाइड में है, तो इसे उधर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो गया। तो इसे हम 4 को 4/1 भी लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं, तो 1 से 1 कट गया, ये 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो कितने टाइम कट गया, 2x माइनस 1 इक्वल टू 1/2, ये आ गया। उसके बाद में अब क्या है, माइनस 1 को उधर लेके जाना है, अब 2x इक्वल टू 1/2 माइनस 1, माइनस 1 इधर आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके, 2 एलसीएम आया तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम ही जाएगा, इधर सॉरी इधर माइनस का है 1, तो इधर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि जब हम ट्रांसपोजिशन करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस का हो गया। अब 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 टाइम हुआ, तो इधर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, प्लस इसके नीचे अपन में हम 1 लिख सकते हैं। अब 1 को 2 से डिवाइड किया कितने टाइम्स किया, 2 टाइम्स, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 2। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2x इक्वल टू 2/1 क्या हुआ, 3/2। अब हमें फाइनली क्या निकालनी है, x की वैल्यू, x इक्वल टू, अब इधर 2 किस में है, 2 इसमें मल्टीप्लाई में, तो इस इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो 3/2 डिवाइडेड बाय 2। इसे हम 2/1 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। तो हमने डिवाइड का रूल 6 क्लास में पढ़ा होगा कि अगर सॉरी 6 और 7 क्लास में, दोनों में पढ़ा होगा आपने कि अगर हमारे पास ऐसे डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं, तो हम नंबर को फ्लिप करते हैं और साइन को चेंज कर देते हैं। नंबर हमने फ्लिप कर दिया, मतलब कि नंबर को उल्टा सीधा कर दिया और साइन डिवाइड का मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको अब सॉल्व करते हैं आगे, x इक्वल टू क्या हुआ, 3/4,
तो x की वैल्यू क्या आई हमारी 3/4। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, उसका पैरामीटर दे रखा है 154 मीटर। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, उसकी इसकी ब्रेथ के दोगुने से भी दो ज़्यादा है, 2 मीटर ज़्यादा। तो हमें अब लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। चलिए जो बोल रहे हैं वो शुरू करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम, लेट द ब्रेथ बी एक्स। ब्रेथ हमने क्या मान ली, एक्स मान ली, ब्रेथ हमने एक्स मान ली। तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ के लिए उसने क्या बोला कि ब्रेथ के, सॉरी ब्रेथ, ये ब्रेथ हमारी ब्रेथ के ट्वाइस से भी दो ज़्यादा है। तो लेंथ कितनी हो गई, 2x+2। जो क्वेश्चन बोल रहा है हमने सेम वही लिखा है। ब्रेथ के लिए क्या बोला था कि जो ब्रेथ है वो हमने x मान ली। अब लेंथ के लिए क्या बोला था इसने कि ब्रेथ के ट्वाइस से, मतलब दुगने से। तो x का दुगना कितना हो गया, 2x, ब्रेथ के दुगने से भी दो ज़्यादा है। तो हमने क्या कर दिया, प्लस टू कर दिया। अब इसका पैरामीटर कितना दे रखा है, 154 दे रखा है। तो सबसे पहले रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यू हम, 2 × लेंथ क्या है हमारी, 2x+2, इधर ये इसे नहीं लगाएंगे अभी, और ब्रेथ क्या है, x है, तो x हमने ऐसे लिख दिया = 154, क्योंकि पैरामीटर हमें ऑलरेडी दे रखा है, हमने 154 लिख दिया। अब पहले अंदर वाले को ही कर लें सॉल्व, कैसे, x, एक तो ये रहा 2x और एक ये x रहेगा, तो 2x+x कितना हो गया, 3x+2 = 154। तो अब 2 बाहर है तो 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, और x को x आ जाएगा, 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6x आ गया। अब इधर क्या है, 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, 4 = 154। अब क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे, किसकी करेंगे, पहले 4 की, 4 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस का 4 हो जाएगा, इधर प्लस का है, तो कितना बचा, 6x = 150। अब x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 6 इसमें क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इधर किस में हो जाएगा, डिवाइड में, 150 / 6। तो x की वैल्यू क्या आई हमारी, 6 से डिवाइड दो इसमें, 6 × 2 = 12, रिमेनिंग क्या बचा, 3 × 6 = 30। ये x की वैल्यू आई है, और x क्या था हमारा, ब्रेथ थी, तो ब्रेथ क्या आ गई, x। तो लेंथ कितनी आएगी, लेंथ की वैल्यू क्या थी, 2x+2 थी, 2x+2 थी, तो इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं हम, x क्या आया हमारा, 25x × 25+2। तो 25 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 50+2 करेंगे तो 52 मीटर। तो लेंथ कितनी आई हमारी, 52 मीटर, ब्रेथ क्या आई हमारी, 25 मीटर। ब्रेथ तो जो x थी वही आएगी, और लेंथ क्या आ गई हमारी, 52 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द बेस ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल इज 4/3। अब आइसोस्केल्स ट्राइंगल कौन सा होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, एक साइड अलग होती है। तो बेस उसका मतलब कि एक साइड दे रखी है 4/3 मीटर। द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज 4 × 2/15 सेंटीमीटर, पैरामीटर दे रखा है उस ट्राइंगल का। तो इसकी हमें बाकी की जो बची हुई दो लेंथ हैं जो इक्वल हैं वो निकालनी है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बेस दे रखा है आपको, बेस कितना दे रखा है, 4/3 सेंटीमीटर। पैरामीटर दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 4 × 2/15। अब इसे पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, 15 × 4 = 60, 60 × 2 = 62/15 सेंटीमीटर। ये हमने कन्वर्ट कर लिया। तो लेट द टू
इक्वल साइड्स, हमने दोनों जो इक्वल साइड्स हैं उसे हम क्या मान रहे हैं, उन्हें एक्स साइड को क्या मान लिया हमने, एक्स, जिनका हमें नहीं पता। अब पैरामीटर क्या होता है आइसोस्केल्स ट्राइंगल का, वो होता है 2a प्लस बी, मतलब कि जो दोनों सेम साइड्स हैं उन्हें जोड़ो और साथ में जो आपकी एक अलग साइड है उसे जोड़ लो। ठीक है, अब आगे चलो सॉल्व करते हैं फिर इस हिसाब से। अब हमारे पास ये टू ए हमने कौन सा माना है, x मान लिया, a की वैल्यू हमने क्या मान ली, x, तो 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x आ गई, और b की वैल्यू हमारे पास दे ही रखी है कितनी है, 4/3। उसके बाद पैरामीटर कितना दे रखा है इसका, 62/15। आगे सॉल्व करते हैं, 2x इक्वल टू, इसका ट्रांसपोजिशन कर देते हैं, 62/15 माइनस 4/3, क्योंकि ट्रांसपोजिशन हुआ तो साइन चेंज होगा। उसके बाद 2x इक्वल टू एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आया, 15, 15 का 15 में डिवाइड करेंगे कितनी टाइम गया, वन टाइम, 1 को 62 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, 62, माइनस 3 का डिवाइड 15 में कितनी टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स, क्योंकि 3 5 ज़ा 15 होते हैं, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 ज़ा 20, तो 2x इक्वल टू कितना आया हमारा, 62 माइनस 20 करेंगे तो 42/15। ओके, अब x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 किस में है, 2 है इधर मल्टीप्लाई में, तो इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में, डिवाइडेड बाय 2/1 लिख सकते हैं। अब हमारे पास डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं, नंबर को फ्लिप करके साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज किया, नंबर फ्लिप कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आई, 42/30। और इसको और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, 6 से काट देते हैं, 6 7 ज़ा 42, 6 5 ज़ा 30, तो x, अब इसे हम लोग कन्वर्ट करें मिक्स फ्रैक्शन में तो क्या आएगा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 5 का डिवाइड 7 में देते हैं, 5 1 ज़ा 5, रिमेनिंग क्या रहा, 2, तो ये तो आ जाएगा आपका होल नंबर, ये 2 ऊपर आ जाएगा रिमाइंडर और 5 इधर आ जाएगा, तो कितना हुआ, 1 × 2/5 सेंटीमीटर। तो क्या आई है उस जो आपकी दो इक्वल साइड हैं उनकी लेंथ क्या आई है आपकी, 1 × 2/5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, दो नंबर हैं उनका सम कितना है, 95। इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15, अगर एक नंबर दूसरे नंबर से एक्सीड मतलब ज़्यादा, तो एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है, तो दोनों नंबर फाइंड करने, ठीक है करते हैं। तो हमें ज़्यादा वाला तो पता रखा है, कम वाले का कुछ नहीं पता, तो लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स, छोटा नंबर हमने क्या मान लिया, एक्स, तो जो बड़ा नंबर है वो क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर उस छोटे वाले से 15 ज़्यादा है, बड़ा नंबर एक्स प्लस 15 हो गया, तो दोनों का सम कितना है, दोनों का सम है दोनों नंबर्स का एक्स प्लस 15 है 95। सॉल्व कर दें, बस हो गए, बन गए इक्वेशन, x और x कितना हो गया, 2x प्लस 15 इक्वल टू 95, तो 2x 15 को इधर लेके जाते हैं तो 95 माइनस 15 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर प्लस का है तो उधर माइनस का हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू कितना हुआ, 80, 95 में से 15 माइनस किया तो क्या बचा, 80, तो अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी, 18/2, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आई हमारी, 40, x की वैल्यू 40 आ गई, तो वो क्या आया हमारा, स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर आ गया हमारा 40, तो बिगर नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 15, मतलब 40 + 15 इक्वल टू 55, तो छोटा नंबर तो क्या आ गया 40 और बड़ा वाला नंबर क्या आ गया 55। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास, इसके बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।